नमस्कार, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो कोई भी नहीं करता है, कोई करेगा भी नहीं। मैं करने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, बहुत प्यास लगी है। सुबह से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया हूँ। एक मिनट प्लीज है, एक मिनट। बस हो गया, प्यास बुझ गई मेरी। बस इतना ही पीना था, ज़्यादा नहीं पीना था। तो आपको भी इतना ही पीना है और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, पक्की बात है। अब सुनिए वो अनाउंसमेंट क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मज़ा नहीं आया तो आज ही इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कभी मत देखना। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में वो स्पिरिचुअल और साइंटिफिक नॉलेज है और जिनको इसकी प्यास है उनकी प्यास जरूर बुझेगी और थोड़े में ही बुझ जाएगी। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से अंत तक देखें। लास्ट में आपके लिए और भी जबरदस्त दो अनाउंसमेंट है, दिल खुश करने वाला। तब तक पहुंचने के लिए इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझिए। जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा और ऐसा ज्ञान और ऐसा प्रेजेंटेशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दिमाग और दिल और आंखों को एक करके ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखें और समझें। नमस्कार आप सबका एक और जबरदस्त साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में। अब तक आपने मंथन हब में थर्ड आई के ऊपर डिटेल्स में प्रेजेंटेशन देखा है, जिसको समझने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे आगे कुछ नहीं होगा, यानी कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद सब कुछ काम हो जाता है। ऐसा नहीं है। थर्ड आई के बाद भी अगर कुछ एडवांस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है तो वो है ब्रह्मरंध्र। जी हाँ, ब्रह्मरंध्र का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का मतलब होता है परम चेतना, परम सत्ता, परम शक्ति, परम आनंद, परम सत्य। रंध्र का मतलब एक चैम्बर है, कैविटी है। ये है ब्रह्मरंध्र, ये है ब्रह्मरंध्र, जिसके अंदर है अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक सुषुप्त शक्तियां। इस साइंटिफिक प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए हमने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली है। आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखें। ये सब ऑथेंटिक सोर्सेस हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब सोर्सेस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए जो भी कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये सब साइंटिफिक है। कुंडलिनी के बारे में जब हम सुनते हैं, कुंडलिनी चक्र के बारे में जब भी हम कहीं भी सुनते हैं, तो हमारे मन में यही धारणा आती है कि ये कोई कुंडलिनी चक्र है, कुंडलिनी शक्ति है जो नीचे से जागती है, धीरे धीरे सभी चक्रों को जगाते हुए ऊपर तक पहुंचती है सहस्रार चक्र में। इस तरह की धारणा बनती है। ये जो धारणा बनती है ये सीमित धारणा है, इससे आगे बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। रिसेंटली वेस्टर्न कंट्रीज में एक रिसर्च हुआ है। उस रिसर्च में पाया गया है कि हमारे जीवन में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स या जो भी ऐसी प्रॉब्लम, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंस होने के कारण। यानी कि जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं उसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो वो सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सब रिसर्च जो है सीमित है, लिमिटेड है। अभी तक इसका तालमेल कुंडलिनी विज्ञान के साथ नहीं बैठा है। तो मेडिकल रिसर्च में जो डिस्क्रिपेंसी है उस कमी को पूरी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा प्राचीन कुंडलिनी विज्ञान। जो प्राचीन कुंडलिनी विज्ञान है उसको डेवलप होने में कई हजार वर्ष लग गए, और ऐसे डेवलप नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप हुए हैं। जब हम इसके बारे में जानेंगे तब जा करके मॉडर्न साइंटिफिक जो रिसर्च हुए हैं उसके साथ प्राचीन कुंडलिनी विज्ञान का तालमेल बैठ जाएगा। नेक्स्ट आता है द प्राण। हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। प्राण के बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे। प्राण एक वाइटल और इंटेलिजेंट मीडियम है, शुद्ध और ऑर्गेनिक मीडियम है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। प्राण सत्ता पूरे शरीर में फैली हुई है और घूमती रहती है। एक तो स्थूल शरीर होता है, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। जिस शरीर को हम देखते हैं, जिस शरीर से हम क्रियाएं करते हैं उसे स्थूल शरीर बोलते हैं।
सूक्ष्म शरीर उसके अंदर रहता है, वो हमें दिखता नहीं है। प्राण क्या करता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को आपस में कनेक्ट कर देता है, उसका एक लिंक बना देता है, जिसके कारण हम जीवन धारण कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। प्राण को चाइनीज सिस्टम में ची भी बोलते हैं। तो आगे समझेंगे इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो हमारे शरीर में एक चेतना है, एक जीवन है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का मतलब है जो हमारा अपना कॉन्शियसनेस है, हमारे शरीर में जो चेतना है, जो एक जीवन है, उसको इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको प्राण भी बोलते हैं। प्राण के कारण ही हमारे शरीर में एक चेतना आती है, एक जीवन का संचार होता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, अनंत ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस फैली हुई है, जो चेतना फैली हुई है, जिसको हम परम चेतना बोलते हैं, उसको स्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, वो एनर्जी बस फैली रहती है, लेकिन एक और एनर्जी है, बहुत ही विचित्र है, उसको बोलते हैं काइनेटिक व क्रिएटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है। उसके कारण ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व और हमारा भी अस्तित्व सफल होता है, साकार होता है, सत्य होता है, वरना नहीं। वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हर अणु में छुपा हुआ है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी विचित्र है और कितनी शक्तिशाली है, कितना स्किल है, वो समझते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जिसको आद्य शक्ति भी बोलते हैं, प्राण के साथ मिल करके हमारे शरीर में सबसे पहले एक एग बनाता है। जैसे कि जो सीड है, जो बीज है, सीमेन के माध्यम से स्त्री के शरीर में जाता है, तो एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। धीरे धीरे डिवीजन होते हुए फिर देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है, और फिर एक महीना, दो महीना, तीन महीना, ऐसे करके नौवें महीने में एक बच्चा बन जाता है। ये कैसे होता है, वो जो आद्या शक्ति है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो प्राण के साथ मिल करके ये सारे काम को करती है। सोचिए वो कितना स्किल्ड है, कितनी क्रिएटिव है, कितनी पावरफुल है। तो इससे समझ में आता है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है, वो क्या करती है, हमारे शरीर के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करती है। समझ गए, फिर से बता देता हूं, जो पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, परम चेतना है, परम सत्ता है, हमारे शरीर के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करती है वो चेतना, वो परम चेतना। जो प्राण है पूरे शरीर में फ्लो करता रहता है। ये देखिए किस तरीके से पूरे शरीर में फ्लो करता रहता है। क्या होता है, कई बार नसों के कारण और भी बहुत सारे रीजन की वजह से प्राण कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पर ब्लॉक हो जाता है। एक्यूपंचर जो पॉइंट्स होते हैं, जिसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, आजकल जगह जगह पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट होते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत पॉइंट्स होते हैं, तो एक्यूपंचर पॉइंट्स को दबाने से क्या होता है, जो प्राण के ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं, और जो भी बीमारियां हुई है, या मानसिक बीमारी हुई है, शारीरिक बीमारी हुई है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं, तो प्राण फिर से स्मूथली फ्लो करने लग जाता है। तैतृय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद में लिखा हुआ है, ये है रेफरेंस, देखिए ये रेफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में पांच प्रकार के प्राण हैं, यानी कि प्राण ही पांच प्रकार से डिवाइड हो जाता है, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और प्राण वायु। ये क्या क्या काम करते हैं, अपान वायु से एलिमिनेशन होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, समान वायु से खाना पचता है, शरीर में लगता है, व्यान वायु से पूरे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उदान वायु से हम बात करते हैं, आवाजें निकालते हैं, प्राण वायु हम इनहेल करते हैं, बाहर से हम प्राण वायु को इनहेल करते हैं, वो नीचे जा करके वो डिवाइड हो जाता है और तरह तरह के काम को अंजाम देता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। और ये पंचवायु पूरे शरीर में इस तरीके से फ्लो करते रहते हैं। अगर हम मोटा मोटी रूप से प्राण को समझना चाहें तो प्राण दो टाइप का होता है, एक है इंडिविजुअल प्राण, दूसरा है यूनिवर्सल प्राण।
इंडिविजुअल प्राण के बारे में हमने समझ लिया। हमारे शरीर में जो प्राण फैला हुआ है और तरह तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है वो है इंडिविजुअल प्राण। प्राण हमारे हर सेल में है, एक एक सेल में भी प्राण है, अणु अणु में प्राण है, हर टिश्यू में प्राण है। वैसे ही अनंत ब्रह्मांड में भी जो प्राण है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल प्राण। गैलेक्सी में, ब्लैक होल में, कहीं भी चले जाओ, जहां भी चले जाओ, अनंत ब्रह्मांड में जो प्राण है उसे यूनिवर्सल प्राण बोलते हैं। अणु में भी है, अणु की गहराई में भी है वो प्राण। जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। प्राणायाम प्राण की एक्सरसाइज है। प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है और प्राण हमारे कंट्रोल में आता है। आजकल के समय में लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से प्राण बहुत ज़्यादा वेस्ट होता रहता है। प्राणायाम करने से प्राण जो है स्टेबल हो जाता है और प्राण शक्ति बच जाती है और हमारी आयु भी बढ़ जाती है, हमारा हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करने के लिए प्राचीन समय से रिकमेंड किया जा रहा है। अब समझेंगे सेक्सुअल फोर्स, सब्लिमेशन एंड सीमेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। सेक्सुअल फोर्स, शास्त्रों में कहा गया है जो सीमेन है, जो वीर है, स्थूल रूप से हमारे शरीर के अंदर होता ही नहीं है, उसको शुक्र भी बोलते हैं। जो शुक्र है सूक्ष्म रूप में, सटल फॉर्मेट में पूरे शरीर में फैला हुआ है। जब सेक्सुअल डिजायर होता है, सेक्सुअल इच्छा बढ़ जाती है, तो वो स्थूल रूप से सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू नीचे इजेकुलेट हो जाता है तुरंत, फास्ट तरीके से। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो शुक्र जो है पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप में फैला हुआ है। जो ऊर्ध्वरेतास होते हैं वो क्या करते हैं, उसको वैसा नहीं करते हैं। वो यौगिक क्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वो उस वीर शक्ति को, उस सेक्सुअल पावर को सूक्ष्म रूप में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेक्सुअल फोर्स है ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाता है, सहस्रार की तरफ। इसलिए उनको ऊर्ध्वरेतास बोलते हैं। और अपनी इच्छा से वो नीचे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य नीचे ही घूमता रहता है। साधारण मनुष्य की ऊर्जा और शक्ति कम होती रहती है, इनकी ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती है। जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, हम शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहे। हाँ, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जब हम खत्म करते हैं शारीरिक क्रिया के माध्यम से, तो शारीरिक क्षमता भी हमारी घटती जाती है। अब समझेंगे कुंडलिनी एंड ऑर्गाज्म सेंसेशन। अब स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो कई लोगों को क्या क्या सेंसेशन होते हैं, देखो ये देखिए मूलाधार चक्र, नीचे भी इस तरफ भी आप देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे। मूलाधार चक्र जब जागृत हो जाता है तो ऑर्गास्मिक सेंसेशन होता है। क्या होता है ये, जैसे कि सीमेन इजैकुलेशन से पहले, वीर स्खलन से पहले जो सेंसेशन होता है, जो एक आनंद की अनुभूति होती है, सुखावास जो होता है, उसको ऑर्गाज्म बोलते हैं। वैसे ही सेंसेशन जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तब होता है। फिर क्या होता है, ऐसा लगता है इस पॉइंट को कोई ऊपर से खींच रहा है, यानी कि ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा सेंसेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस एनर्जी को ऊपर ट्रैवल करना होता है। ये एक ऑटोमेटिक क्रिया है, ये होना ही है। लेकिन जिसको कुंडलिनी के बारे में नॉलेज नहीं है वो घबरा जाता है या अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन जो योगी लोग या गुरु लोग या जो साधक लोग जिनको पता ही इसके बारे में, वो इस चीज को अपने संयम में कर लेते हैं और इससे आगे की जर्नी को अंजाम देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे कुंडलिनी एंड द लिबरेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोगों का ऐसा समझना है कि जब कुंडलिनी चक्र, ये सहस्रार चक्र, ध्यान से देखिए, जब सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा समझना है लोगों का। ये सत्य नहीं है। सहस्रार चक्र जगने से ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है उसकी टेंडेंसी ऐसी है, वो अपने संस्कार के हिसाब से वो शक्ति नीचे आती रहती है, नीचे फ्लो करती रहती है। देखिए ध्यान से, यहां पहुंचने के बाद भी नीचे आने की पूरी संभावना रहती है कंटिन्यूअसली। वो डिपेंड करता है आपका संस्कार कैसा है। लेकिन जो साधक होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो बार बार अपनी साधना से, अपने कॉन्सेंट्रेशन से, अपने मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि सहस्रार चक्र में, यानी कि ब्रह्म रंध्र में, वो कुंडलिनी शक्ति को सेट कर देता है और वो नीचे आता नहीं है। जब उसकी इच्छा हो जाती है
तो वो नीचे लेकर भी आ सकता है। उसका उतना कंट्रोल हो जाता है अपने प्राण पर, अपने मन पर, कि उस कुंडलिनी शक्ति को वो नीचे आने नहीं देता है। अगर उसकी मर्जी हो जाती है तो वो नीचे ला भी सकता है और नीचे की क्रिया को भी वो कर सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य के साथ ऐसा होता नहीं है। थोड़ी सी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, फिर नीचे आती है, जागृत होती है, फिर नीचे आती है। उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है, वो डिमोरलाइज हो जाता है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को छोड़ देता है। एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट समझेंगे, कुंडलिनी इज बायोपोलर एनर्जी। दो पोल होते हैं, एक पोल यहां है और एक पोल नीचे है। ध्यान से देखिए, एक मूलाधार में है और एक सहस्रार में है। दोनों का आपस में गहरा संबंध होता है। एक में अगर कुछ एक्टिविटी होती है ना, तो दूसरे में अपने आप कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लग जाता है। और यहां अगर कुछ एक्टिविटी होती है ना, तो यहां कुछ असर होने लग जाता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा थोड़े समय बाद। उससे पहले समझते हैं एक और खास चीज, ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ एनर्जी। इन दिनों में रिसर्च हुआ है कि ब्रेन इतना सब कुछ फंक्शन कैसे करता है। मॉडर्न साइंस ने तो यह मान ही लिया है कि ब्रेन ही हमारे शरीर में सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे अंजाम देता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम से ही सारा काम होता है। लेकिन वो करता कैसे है? तो मॉडर्न साइंस ने माना है कि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तब जाकर के ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इस मामले में क्या होता है, जो प्राचीन जो आद्याशक्ति जो विज्ञान है, जो लाइफ एनर्जी जो विज्ञान है, जो प्राण शक्ति जो विज्ञान है, उसके साथ मॉडर्न साइंस का ये कॉन्सेप्ट पूरा मैच हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बीच में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे की बात आप इस बात से कनेक्ट करके समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मरंध्र का लोकेशन देखिए, यहाँ पर एक कैविटी है, ये है एक कैविटी है। इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें खून जैसा कुछ होता है और प्लाज्मा जैसे कुछ मटेरियल होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कुंडलिनी जग जाती है तो एक एक्सपीरियंस योगियों को हुआ है, बहुत साधकों को हुआ है। ये देखिए, आपका माउथ, उसका ऊपर वाला भाग, अपर वाला पार्ट, अगर माउथ को खोलेंगे ना तो अपर वाला पार्ट ऐसा दिखता है। ये वाला पॉइंट जब आप अपनी जीभ से टच करते हैं, थोड़ा रफ लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है, और जैसे कि जीभ को पीछे ले जाते हैं तो ये वाला पार्ट है ना, प्लेन जैसा है, जिसकी कुंडलिनी जग जाती है, सहस्रार चक्र तक जिसकी जर्नी हो जाती है ना, तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पार्ट पर उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई अमृत टपक रहा है, अमृत का स्वाद मिलता है उसको इस जगह पर। इसलिए हमने भी बहुत बार जीभ को तालू में लगाने की एक्सरसाइज भी हमने बताई है। अगर ये करेंगे आप तो इससे मेमोरी पावर भी बढ़ती है, मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। खिचड़ी मुद्रा के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, यहाँ पर जीव लगाने से वो फायदा हमें मिल जाता है। तो इसका कनेक्शन ब्रह्मरंध्र के साथ भी है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे ही ये वाला पॉइंट क्रॉस होता है, इसलिए यहाँ पर अमृत का स्वाद मिलता है जिसकी कुंडलिनी जग जाती है। अब जानेंगे आगे की बात, मेडिटेशन एंड कुंडलिनी प्रोसेस। जब हम योग करते हैं तो कुंडलिनी एनर्जी जागृत होती है। अष्टांग योग के बारे में आपको पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता अभी, लेकिन आपको लास्ट के तीन खास पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अष्टांग योग में क्या क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने मात्र से कुछ नहीं होता है, ध्यान करने के बाद जब हम उसमें कंटिन्यूटी लाते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उस ध्यान में धारणा बनती है। क्या होता है, ध्यान रोज करने से ध्यान में धारणा बनती है, यानी कि हम एक कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होने लगता है, उसको धारणा बोलते हैं। ध्यान करना नहीं पड़ा, ध्यान अपने आप हो गया, लेकिन उतना भी सफिशियंट नहीं है। धारणा के आगे जो स्टेट आता है, जो अवस्था होती है, उसे कहते हैं समाधि। समाधि के स्टेट में बाहर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता चलता है। तो उस समाधि के स्टेट में पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनको सफिशियंट लाइफ एनर्जी नहीं मिल पाती है।
सफिशियंट लाइफ एनर्जी कैसे मिलेगी, क्या है वो कॉन्सेप्ट, आगे समझेंगे। कुंडलिनी रॉकेट प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सीरियसली आप लोग देखना इस चीज को। इस रॉकेट को देखिए, ये रॉकेट जो है ना ऊपर जाता है, कैसे जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल है, ईंधन है। इस बात को विचार करें, अगर इसमें सही क्वालिटी का ईंधन नहीं होगा या सही क्वांटिटी में नहीं होगा तो ये रॉकेट जो है लड़खड़ाते हुए जाएगा, ऊपर जाने के बाद लड़खड़ाएगा, या तो गिर जाएगा या ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जो भी है। वैसे ही हमारे शरीर में जो वाइटल एनर्जी है, अगर उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, यानी कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जीवनी शक्ति का नाश होता है गलत लाइफस्टाइल के कारण, स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से, नेगेटिव विचारों से, गलत लाइफस्टाइल से, गलत खानपान से, इमोशनल इम्बैलेंस से, हमारी जीवनी ऊर्जा जो है ना कम होती है, अत्यधिक सोने से भी या कम सोने से, ठीक से नहीं सोने से, बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन कोई रेस्ट नहीं किया, इस तरीके से जो हमारी जीवनी ऊर्जा, उसकी जो क्वालिटी जो है ना और उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, या तो वो अशुद्ध हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जब हम मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं मेडिटेशन से या जो भी क्रिया से, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन भी हो सकता है, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि सही मात्रा में जीवनी ऊर्जा नहीं मिली। कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है, कुंडलिनी चक्र जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो मूलाधार चक्र जागृत होने के साथ साथ क्या होता है, उसके साथ जीवनी ऊर्जा भी ऊपर ट्रैवल करती है। अगर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेकार है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, और ट्रैवल कर भी लिया तो हमें बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। बॉडी मैकेनिज्म के हिसाब से बॉडी को पता है कि क्या नुकसान होने वाला है, तो बॉडी रिजेक्ट कर देती है और हमें मूलाधार चक्र में ही घुमाती रहती है। यानी कि मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद हम उधर ही घूमते रहते हैं, उधर ही चक्कर खाते रहते हैं, और फिर आगे हमारी यात्रा नहीं होती है। अगर आगे हमारी यात्रा हो भी जाएगी तो जीवनी ऊर्जा कम होने के कारण हमारे जो ब्रेन में बहुत सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए बॉडी जो है ना उसे नीचे मूलाधार चक्र में ही रोक देती है। लैक ऑफ फ्यूल इन ब्रह्मरंध्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक योगी हैं बहुत बड़े जिनका नाम है कृष्ण गोपी, जिनकी किताब से इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आपको ये सब समझा रहे हैं। उनके साथ एक घटना घटी, 17 साल तक उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया, उसके बाद उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, यानी कि ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी शक्ति पहुंच गई, यानी कि ये सहस्रार चक्र जागृत हो गया। फिर भी उनको डिप्रेशन हो रहा था, उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा था, जो उनके आत्मीय स्वजन होते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी माता पिता, उनके प्रति जो एक अटैचमेंट होता है, जो प्रेम होता है ना, जो फीलिंग्स होती है, वो खत्म हो गई। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है ये। और फिर क्या हुआ, उनका हेल्थ कई महीनों तक खराब रहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कुंडलिनी के बारे में, फिर मैंने इसके ऊपर साधना किया तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, भले ही ब्रह्मरंध्र मेरा जागृत हो गया था, इसमें जो कुंडलिनी शक्ति है यहाँ तक पहुँच गई थी। के पीछे रीजन क्या है कि इतना होने के बाद भी वो डिप्रेशन क्यों हुआ, उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब क्यों हुआ, उनकी फीलिंग्स क्यों गायब हो गई, क्योंकि लो एनर्जी सप्लाई के कारण, यानी कि एनर्जी सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाई। ये रॉकेट अगर इसके अंदर फ्यूल कम होगा, सही मात्रा में एनर्जी नहीं है उसके अंदर, तो रॉकेट ऊपर जाने के बाद अभी बीच में क्या हुआ था, चाइना का रॉकेट गिरा था ना, वैसे ही। तो इनके साथ भी वही हुआ, किस तरीके से खुद को ढालना है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। तो उन्होंने बताया जो सेक्स एनर्जी है वही जीवनी ऊर्जा का स्टोर है। जीवनी ऊर्जा अपनी जगह है, लेकिन अगर सेक्स एनर्जी जहां पर रहती है मूलाधार चक्र पे, अगर ये स्टोर अगर एकदम भरा हुआ है ना, तो हमें बार बार यहां तक ऊर्जा मिलती रहती है। यानी कि नीचे अगर हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत है, सेलिबेसी बढ़िया है, बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती रहती है और ब्रह्मरंध्र अपनी जगह सेट रहता है। यानी कि कुंडलिनी जागरण के बाद भी हम गिरेंगे नहीं। अगर ब्रह्मचर्य मजबूत नहीं है, सेक्स एनर्जी नीचे लॉस हो रही है, बहुत गड़बड़ होता रहेगा। यानी कि कई बार ऐसा होगा कि आप पूरा हीरो से जीरो बन जाएंगे। कुछ योगी होते हैं जो यहीं पर रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को झेलते हैं, क्योंकि वो सेक्स एनर्जी को कई बार
लॉस कर देते हैं। जिसका पूरी तरीके से जागृत हो जाता है, उन्होंने कहा है अगर सहस्रार चक्र पूरा जागृत हो गया, ब्रह्मरंध्र में एनर्जी पहुंच गई तो क्या होगा? पार्शियल एंड टोटल सेक्सुअल लॉस। कहने का मतलब इसमें नपुंसकता नहीं आएगी। नपुंसक मनुष्य में और उर्ध्वरेता योगी में बहुत अंतर है। नपुंसक मनुष्य अपनी गलती के कारण खुद को नपुंसक बना देता है या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उर्ध्वरेता क्या है, उन्होंने उस पर जीत प्राप्त की है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। जब चाहे तब वो नीचे लेकर के आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, उतना कंट्रोल उनका हो जाता है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। महाभारत में एक बात आती है, ऋषि पराशर। ऋषि पराशर एक बार जा रहे थे और उन्होंने किसी नदी में मत्स्यगंधा को देखा और अपनी तरफ से उन्होंने प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे उनको वेदव्यास जी को जन्म देना था। ऋषि पराशर तो ऊर्ध्वरेता थे, फिर उन्होंने ये क्यों किया? उनके अंदर ऐसी इच्छा क्यों आई? उनके अंदर ये इच्छा अपनी मर्जी से आई। उनका पूरा चक्र जागृत है, सभी के सभी चक्र जागृत हैं, ऊर्ध्वरेता है, सिद्ध योगी है, अपने चक्रों पर, अपनी शक्ति पर इतना कंट्रोल है, अपने प्राण पर, अपने मन पर इतना कंट्रोल है कि अपनी इच्छा से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन साधारण मनुष्य से ऐसा होता नहीं है। साधारण मनुष्य अगर एक बार इस क्रिया को करता है तो नीचे गिरता है। इसीलिए बोला जाता है कि अधिक से अधिक अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो सेक्स सब्लिमेशन होता है। आपके जीवन में जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य स्ट्रांग होगा, उसके हिसाब से कुंडलिनी एनर्जी ऊपर के चक्रों में स्थिर हो जाएगी। इसलिए प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य एजुकेशन को सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, ताकि शादी से पहले ही सभी कुंडलिनी चक्र जागृत हो जाएं। जब वो शादी करेगा या बच्चे को जन्म देगा तो वो बच्चा भी पावरफुल बने। अब नेक्स्ट समझेंगे डेंजर्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। कई सेंटर में ऐसा होता है, कई लोग ऐसे सेंटर में विजिट भी करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। ये बहुत डेंजरस है, जिसके बारे में गोपी कृष्णा बोल रहे हैं, प्री मेच्योर और फोर्स्ड कुंडलिनी अवेकनिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इससे बहुत तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए चीज से बचे रहें। तो क्या करना चाहिए हमें, ये प्रश्न उठता है, तो हम करें तो क्या करें? तो स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि आप अपने लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअल बनाइए और सुबह उठिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, शुद्ध सात्विक आहार कीजिए, वो सबसे सेफ है। कुंडलिनी अपनी स्पीड में, अपने हिसाब से स्मूथली जागृत होती है, उसमें कोई खतरा नहीं है। अब नेक्स्ट समझेंगे क्लीनिंग एंड रिमॉडलिंग ऑफ द बॉडी। अब ये क्या चीज है? कुंडलिनी कोई एनर्जी नहीं है, कुंडलिनी एक प्रोसेस है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर की क्लीनिंग होती है, रिमॉडलिंग होती है। ये होता कैसे है? इसीलिए प्राचीन समय से हमारे देश में योग को ज्यादा महत्व दिया गया है, हठ योग को, सेलिवेसी को। उससे क्या होता है, एक प्यूरिटी लेवल मेंटेन होता है। प्यूरिटी लेवल मेंटेन होने से क्या होता है, हमारे जीवन की रिमॉडलिंग होती है, अंदर से और बाहर से भी। अंदर से भी प्यूरिफिकेशन होता है और बाहर से भी हम प्योर होते हैं। अगर किसी चीज़ की रिमॉडलिंग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को हम पिघलाते हैं ना, लोहे को या गोल्ड को, किसी भी धातु को पिघलाना पड़ता है ना उसको। वैसे ही कुंडलिनी अवेकनिंग से, योग से, अंदर से हम पिघलते हैं और हमारी रिमॉडलिंग होती है और कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत होती है। लेकिन आज के समय में ऐसा क्यों नहीं होता है, लोग अपनी कुंडलिनी को जागृत क्यों नहीं कर पाते हैं, भले ही वो कितनी इच्छा करें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें? क्योंकि लेवल ऑफ प्यूरिटी सही नहीं है, उनके जीवन में वो प्यूरिटी नहीं है। अब सोशल इलनेस और फाइनल लेसन ध्यान से सुनेंगे। हमें जहां पर फोकस करना चाहिए, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, वहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। अभी के समय में हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेटेरियल दुनिया पर है, उससे क्या हो रहा है, सोशल इलनेस पैदा हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स अब्यूज बढ़ता जा रहा है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, अल्कोहल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल केसेस सबसे ज़्यादा टीनेज में भी बढ़ते जा रहे हैं, सेक्सुअल परवर्सन, सेक्सुअल विकृति बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पर तो कुंडलिनी के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। आप फिर मुझे पूछेंगे कि करना क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो? तो मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने की जरूरत ही नहीं है,
बस अपने नॉलेज के लिए इसको अपने ध्यान में रखिए, अपने नॉलेज में रखिए। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल वातावरण में रहते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उनके अंदर वो कुंडलिनी क्रियाएं होने लग जाती है। वो घबरा जाते हैं, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन जगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सिंपल ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो स्मूथली कुंडलिनी अपने आप जगती है, अपने आप अपनी स्पीड में अपने टाइम पे कुंडलिनी जब जग जाती है तो बहुत सेफ होता है और आपको भी उसका बहुत लाभ मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और एडवांस लेवल से आपको अगर समझना है तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं जिसका रेफरेंस हमने स्टार्टिंग में दिया है, उन किताबों को आप सर्च कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब सुनते हैं अगला महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। तो कैसी लगी जानकारी, अब मैं आपके सामने अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। नंबर वन, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है और सर्च करना है बेनिफिट्स ऑफ एफर्टलेस मेडिटेशन। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मंथनम की आर्टिकल दिख जाएगी, उस आर्टिकल को खोलिए, पढ़िए और नीचे आपको एक ब्रेन रिवेयर मिल जाएगा, एक हीलिंग ब्रेन रिवेयर मिल जाएगा, उसका अभ्यास कीजिए, आज ही कीजिए, फिर देखिए कैसा मजा आता है। दूसरा काम आपको करना है, गूगल में सर्च करना है मेडिटेशन फॉर रिलेशनशिप एंजाइटी। उसके बाद नीचे आएंगे, पर ज्यादा नीचे आना पड़ेगा, मंथन हब की आपको आर्टिकल दिख जाएगी, उस आर्टिकल को खोलिए, पढ़िए, उसके नीचे भी आपको एक फ्री में ब्रेन रिवेयर, हीलिंग ब्रेन रिवेयर मिल जाएगा, उसको देखिए, सुनिए और मजा लूटिए, अपने आप को हील कीजिए। तीसरा अनाउंसमेंट है, अगर आपने अभी तक आर्यमान कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और हमारे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है ना, बहुत बड़ा आप नुकसान उठा रहे हैं, अपने टाइम को आप खराब कर रहे हैं। एक बार आप आर्यमान में आकर देखिए, इन दिनों में बहुत लोगों ने आर्यमान को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते ही कुछ ही दिनों में ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट हमने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है, एक हफ्ते से हम डाल रहे हैं। किसी का एडिक्शन भाग गया, किसी की नेगेटिविटी भाग गई, किसी का डर भाग गया, किसी के जीवन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तमाम तरह के एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है। आप उसको पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट को पढ़िए और उसके बाद आर्यमान प्रीमियम कोर्स को लीजिए और हमारे ग्रुप में आइए। उस ग्रुप में पर्सनली मैं एक्सक्लूसिवली आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ में उस ग्रुप में खड़ा रहूँगा। अभी ये मौका है, बात की कुछ पता नहीं है मुझे। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, ऑल द बेस्ट।